इंडियन हेल्थ इन्स्टिट्यूट तर्फे रविवारी भव्य पदयात्रा काढण्यात आली होती. या माध्यमातून जनजागृती करून नेत्रदानाविषयी सामाजिक संदेश देण्यात आला. या पदयात्रेला सकाळी 7 वाजता सुरुवात करण्यात आली, जिकडे सिने अभिनेता विवेक ओबेरॉय, सुप्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, आरजे अर्चना यांसह नवी मुंबईचे महापौर सुधाकर सोनावणे, पोलीस आयुक्त प्रभात रंजन आदी विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. दरम्यान या पदयात्रेत शहरातील विविध शाळांतील विद्यार्थी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ही विराट पदयात्रा सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरली, जिथे गायक तसेच अन्य उपक्रम राबवून नेत्रदानाविषयी जनजागृती करण्यात आली. हमारा जो शहर है एक बहुत अच्छा कारगर साबित हो रहा है. यहाँ पर जैसे स्वच्छ भारत अभियान होगा, स्मार्ट सिटी होगा और सभी जाति धर्म के लोगों को इसमें जोड़ना और जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना, इसमें से एक वॉकेथन का एक तरीका है जिसमें कई एनजीओज यहाँ पर आए हुए, कई लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. ये नवी मुंबई निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी है, नवी मुंबई निश्चित रूप से हमारी ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और ये ऐसे कार्यक्रम से उससे निश्चित फायदा ही होगा. आई थिंक मेरी आवाज़ अगर इतना भी काम करे तो मैं आवाज़ चैनल के जरिए कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जितना लोगों के लिए कर सकते हैं, जीवित स्थिति में शायद हम इतना नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग सब बिजी रहते हैं, हम कहते तो हैं लेकिन जाने के बाद जितना हम कर सकते हैं, जस्ट हैव टू से आई एम गिविंग माय आइज अवे, दैट्स इट. काम डॉक्टर्स कर लेंगे और जिसको पहुंचाना है वहां पहुंचा देंगे. शर्म की बात यह है कि करोड़ों की तादाद में हमारा भारत है और ऐसे भारत में जहां हम दान की बात हर दम करते हैं वहां पे हमारे पास आंखें नहीं है दान करने के लिए, उसके लिए हमको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है. क्यों हम खर्चा करें जो चीज़ हमको फ्री में, एंड आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, लेकिन व्हाट्स द बिग डील, कोई आपकी आंखों से देखेगा आपको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी मेरे हिसाब से. AHI द्वारे सामाजिक उपक्रम सातत्याने राबवले जातात. दरम्यान या पदयात्रेबाबत संबंधित माहिती इन्स्टिट्यूटचे डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद सिंघल यांनी दिली. आज का प्रोग्राम काफी ऐतिहासिक था. दुनिया में कभी एक साथ 10,000 लोग अपनी आंखें दान करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं. बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट से लेके अडल्ट से लेके सब सर्व धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कॉलेज से, सब तरह के समुदाय इकट्ठे होकर आई डोनेशन को प्रमोट कर रहे थे. ये हमारी नवी मुंबई के लिए बड़ी फखर की बात है कि इतने सब लोग इकट्ठे होकर आई डोनेट करने आए. तो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा. काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा आपके मीडियम के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, लोगों के यहाँ आने से. हमने सबसे प्रण लिया है कि जो भी यहाँ पे आ रहा है वो आगे 50 साल लोगों को और बताएगा आई डोनेशन के बारे में. और ऐसे हमारा अगर हम कंटिन्यूस एफर्ट करते रहेंगे तो आई थिंक अगले 2-3 साल में हमको काफी विजिबल आई डोनेशन में फर्क दिखेगा. वीडियो जर्नलिस्ट नितिन खरात सह रुचि कौर यांचा रिपोर्ट.